आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6। केमिकल बॉन्डिंग। इससे प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ें स्टडी की थी दोज वर दी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, के चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है। वो टॉपिक, वो जो लेक्चर था वो आपको जनरल इंसाइट दे रहा था अबाउट दी चैप्टर। आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो इसका पहला टॉपिक है जिसका नाम है कॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या होती है, उसके पीछे कौन कौन सी रीजंस जो सी हैं वो दरकार होती हैं, उसके बारे में हमारा आज का जो है वो लेक्चर होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड का पता होगा तभी हम उस पोजीशन में होंगे कि हम ये चीज़ जान सकें कि इसकी रीजंस क्या होती हैं। केमिकल बॉन्ड इज़ बेसिकली अ फोर्स। ये एक फोर्स है बॉन्ड, जैसे भी आपको पता है कि ये एक बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ना या आपस में जो है एक दूसरे के साथ अटैच होना। तो केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स जो कि क्या करती है, विच होल्ड्स टुगेदर, किन दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के रखती है, टू और मोर एटम्स या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम्स और आयंस को आपस में इकट्ठा जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और इस केमिकल बॉन्डिंग की वजह से वी हैव अ लार्ज लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। आपको पता है कि जब भी दो एटम या दो या दो से ज़्यादा एटम या आयंस मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है दैट इज़ अ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं दोज आर ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ से साबित क्या हुआ कि केमिकल बॉन्डिंग इज़ वन ऑफ द वेरी वाइटल एंड वन ऑफ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन दी केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्ड इज़ दैट फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर देन टू एटम्स और आयंस टू मेक अ कंपाउंड। अब हम चलते हैं रीजंस के ऊपर, डिस्कशन होगी अब हमारी कि क्यों जो है कि एक एटम को ज़रूरत पड़ती है कि वो कंपाउंड जो है वो बनाए। तो नॉर्मली जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है या जो चीज़ डिफाइन कर रही होती है किसी भी एटम के बॉन्ड बनाने की सलाहियत को, दैट इज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ये आप 5th चैप्टर के लास्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे किसी एटम की करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अभी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी एटम। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इट बेसिकली डिफाइंस द केमिकल बॉन्डिंग या नीड ऑफ दी बॉन्डिंग, के किस तरह की बॉन्डिंग जो सी है आपका एटम करेगा वो डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। अब यहाँ पर हम जो है एक केस स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे किसकी, नोबल गैसेस की। नाउ व्हाट आर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के नाम से ही पता चल रहा है, नोबल का मतलब होता है शरीफ, मतलब दीज आर दोज कंपाउंड्स हु डू नॉट नॉर्मली मेक एनी कंपाउंड। ये वो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस जिनके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह आती हैं। दीज आर द गैसेस जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। उनके नोबल कहने की वजह ही ये है कि दे नॉर्मली डू नॉट मेक एनी कंपाउंड विद एनी अदर मॉलिक्यूल, विद एनी अदर एलिमेंट, विद एनी अदर एटम। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या इसको स्टडी करें तो आपके पास ये पता चलेगा आपको कि इनके जोन से शेल के अंदर एस और पी सब शेल मौजूद होते हैं। दे आर एस एंड पी सब शेल्स ऑफ नोबल गैसेस। दे आर कंप्लीटली फिल्ड। इनके जोन से सब शेल्स हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड। इनके अंदर जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम इज टू, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। अच्छा जी, अब अगर मैं नियॉन की बात करूं, नियॉन इज 10, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6। s में मैक्सिमम दो आ सकते हैं, दो मौजूद हैं। पी के अंदर मैक्सिमम सिक्स आ सकते हैं, सिक्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं आर्गन की करता हूँ जो कि 18 होती है, तो पहले में टू, दूसरे में टू, तीसरे में सिक्स, 3s में भी 2 और 3p में 6। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसके आखिरी सबशेल जोन से हैं दे आर फिल्ड। तो अगर आप हीलियम और नियॉन की और आर्गन जो कि नोबल गैसेस हैं इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करें तो वो विल कम टू नो दैट एस एंड पी सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इससे पता क्या चला कि किसी भी एटम को अगर बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस वजह से पड़ती है कि उनके जोन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल नहीं होते। क्या मतलब हुआ कि नोबल गैसेस चूंकि किसी किस्म की रिएक्टिविटी नॉर्मल कंडीशंस में शो नहीं करती, इन किसी भी दूसरे एटम के साथ कंपाउंड नहीं बनाती, उसकी वजह क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल जोन से हैं, इनके आउटर मोस्ट सब शेल्स जोन से हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड। मतलब उनके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है जिसकी वजह से दे आर स्टेबल। तो यहाँ से जो चीज़ हमने कंक्लूड की वो ये थी कि कोई भी एटम जब भी बॉन्ड बनाएगा उसकी वजह ये होगी कि उसके आउटर मोस्ट शेल जोन से हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, और जब वो कंप्लीट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जब भी एटम अनस्टेबल से स्टेबल होने की तरफ जाएगा तो उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाए बगैर वो स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो ये एक रीज़न थी जो कि नोबल गैसेस की केस स्टडी करके हमें अंदाज़ा हुआ। नोबल गैसेस ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस कभी भी कोई भी कंपाउंड जो है वो नहीं बनाते, दे डू फॉर्म सम कंपाउंड्स अंडर सम कंडीशंस, और उनमें भी हर किस्म का जो है नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती। सिर्फ ज़ीनॉन के कुछ कंपाउंड जो से हैं वो हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, ZeF2, XeF4, फ्लोरीन से रिलेटेड और ऑक्सीजन से रिलेटेड इनके जो से हैं कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस, वो भी सिर्फ ज़ीनॉन के। लेकिन जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं नोबल गैसेस के वो ये हैं कि दे आर वेरी नॉन रिएक्टिव, दे आर वेरी नोबल इन रिएक्टिविटी, और उसकी वजह यह है कि उनके सब शेल्स जो से हैं आउटर मोस्ट सब शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से उनके जो से हैं एटम्स उनको ज़रूरत नहीं होती किसी भी किस्म के रिएक्शन की। अब यहाँ पर चीज़ एक आती है स्टेबिलिटी के हवाले से कि कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड जब बनाना चाहता है तो दैट वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबिलिटी कब होगी, जब उसके अंदर लो एनर्जी होगी। तो जब भी आपके पास किसी भी एटम के पास हाई एनर्जी है तो वो किस कंडीशन में है, वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है जैसे ही उसको मौका मिलेगा अपने नज़दीक मौजूद किसी भी एटम के साथ
किसी भी किस्म का बॉन्ड बनाने का, तो वो फौरन से पहले बॉन्ड बनाएगा और अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये दूसरी रीज़न है कि एवरी एटम वांट्स टू बी स्टेबल एंड दैट इज़ व्हाई दे फॉर्म दी केमिकल बॉन्ड। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी या अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ दी केमिकल बॉन्डिंग, जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से जो सी है वो हो सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमने स्टडी करनी है, जो कि जैसे कि अभी हमने देखा कि नियॉन और हीलियम इनकी जो सी थी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इनके सबशेल्स कंप्लीट थे एंड दे वर स्टेबल। अब इनके अलावा जो उनसे एटम्स हैं दे वांट्स टू बी स्टेबल, और स्टेबल कब होंगे जब उनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन से मैच करना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है इसके अंदर, इसको आप इस तरीके से समझें कि आपके जो उनसे एटम्स हैं दे वॉन्ट टू अचीव, अचीव क्या करना चाहते हैं, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन, और कौन सी नोबल गैस जो उनके सबसे करीब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, दे वॉन्ट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो चाहता है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसी ना किसी नोबल गैस से मैच करना शुरू कर दे। अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी तो फिक्स होगी किसी भी एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी कैसे अचीव कर सकता है, वो अचीव इस तरीके से कर सकता है कि या वो इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दे और कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी कर दे, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी नोबल गैस जैसी कर ले, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी मैच होना शुरू हो जाए नियरेस्ट नोबल गैस से। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो कि आपका एटम परफॉर्म करता है नियरेस्ट नोबल गैस की अचीवमेंट को करने के लिए। अब सबसे पहली जो है, जिस केस के अंदर क्या करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सोडियम, सोडियम इज 11, सोडियम के अंदर होते हैं 11। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो पहले में दो आ गए, दूसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 और तीसरे में एक, नंबर 1। अब इसको चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन चाहिए, इसको नियरेस्ट नोबल गैस इसके नीचे है नियॉन 10, जिसके अंदर क्या होता है पहले में दो और दूसरे में 8। अब ये क्या करेगी, सोडियम 11 जो है, सोडियम 10 नियॉन 10 की कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर कर देगी और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na+1। अब Na+1 की जो कन्फिग्रेशन है वो सेम है Ne10 की, और इस तरीके से ये इसने नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अचीव कर ली, और ये मौजूद पास किसी भी नेगेटिव आयन के साथ, कोई भी नेगेटिव वन आयन है उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगी और आपके पास क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और सोडियम की जो है नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो अचीव कर लेगी। दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है, एंड दिस रूल इज दी ऑक्टेट रूल। तो ये एग्जाम्पल थी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर सेकंड इज दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इज 17। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले में दो, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इसके नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस की वो है आर्गोन, जो कि 18 है। अगर आर्गोन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, 2, 8 और 8। अब इसको अपने बाहर वाले शेल में 8 पूरे करने के लिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक बाहर वाले शेल को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
किसी नोबल गैस से मिलाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा, और इसके ऊपर जो है ये वाले 7 की बजाय अब हो जाएंगे 8, और 2 8 8 किसकी कन्फिग्रेशन है, ऑर्गोन की, तो ये Cl-1 जो है बन जाएगा आपके पास क्लोरीन नेगेटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मिल रही है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन जो एटम जो सा है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है। और नंबर 3 जो परफॉर्मेंस हो सकती है दैट इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अगर मैं HCl की एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन के पास 1 है और क्लोरीन के पास 2 8 और 7 हैं। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए एक जो है वो चाहिए, और इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पहले में 2 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और अपना अपना जो सा इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, 2 8 6 इधर, एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसका हिस्सा भी है और इसका हिस्सा भी है, और इस तरीके से दोनों की कन्फिग्रेशन जो सी है वो नियरेस्ट नोबल गैस के करीब हो गई। कैसे, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास अब कितने हैं, एक इसका अपना था, एक इसने शेयर किया हुआ है, तो इसके पास 2 हैं। 2 का मतलब क्या कि हीलियम, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव्ड। इसकी बात करें, ये क्लोरीन है 2 8, इसके बाहर वाले में 7 थे, एक शेयर किया, 8 हो गए, तो इसके पास जो है आर्गोन, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव्ड। तो इस तरीके से आपके पास जोन सा है H और Cl दोनों जोन से हैं, ये ऑक्टेट रूल जो है उसके पे अमल करते हुए आपके पास इलेक्ट्रॉन जोन सा बॉन्ड बना लेते हैं डिफरेंट तरीकों से, जिनमें हमने देखा कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के तरीके में ये नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसको उसकी कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, और दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पर एक चीज और जो स्टडी करनी है वो ये है कि कंडीशंस, कौन सा एटम फॉर एग्जांपल ए है, ये कब जो है लूज करेगा, कब गेन करेगा या कब शेयर करेगा, ये इन तीनों में से कौन सा एक्ट परफॉर्म करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी सराउंडिंग्स ऑफ दी एटम ए, या उसकी कंडीशंस के ऊपर कि इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है। अगर इर्द गिर्द वाला एटम जो कि बी है वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंपैरिजन इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है कि इसको लूज करना पड़े तो ये लूज करेगा, और अगर गेन करने की कंडीशन है तो फिर ये गेन करेगा, और अगर शेयर करने की कंडीशन है तो ये शेयर करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आप इनमें से कौन सा एक्ट परफॉर्म करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रहा है NaH की, NaH सोडियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप देखें तो सोडियम के पास 11 है और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में। और HF के केस में हाइड्रोजन इज 1 एंड फ्लोरीन इज 9। अब फ्लोरीन जो है ये अपना जो है इसको दे नहीं सकती, इसको भी एक चाहिए 10 पूरे करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन पूरी करने के लिए, और इसको भी एक चाहिए। तो इस केस में ये दोनों क्या करेंगे, दे विल शेयर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में सामने आएगी, तो हाइड्रोजन इस कंडीशन में शेयर कर रहा है और इस कंडीशन में गेन कर रहा है, तो डिपेंड क्या कर रहा है, उसकी सराउंडिंग पे, कि अगर सोडियम गिर्द में मौजूद है तो सोडियम की कंडीशन उसको गेन करने पे मजबूर करेगी और फ्लोरीन की कंडीशन उसको शेयर करने पे मजबूर करेगी, क्योंकि इन ईच केस एनी एटम वांट्स टू बी स्टेबल
एंड वॉन्ट्स टू बी एट लो एनर्जी, और उसके नतीजे में उसको जो है बॉन्ड बनाना ही पड़ता है। अब एक आखिरी चीज़ जो इस टॉपिक में है वो ये कहता है कि ऑक्टेट रूल जो है दैट इज़ नॉट, ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल। कह रहा है जी कि नॉर्मली तो ये रूल फॉलो होता है, लेकिन तमाम कंपाउंड्स की केमिकल बॉन्डिंग को आप इस रूल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास PF3 या FF6 इस तरह के जो से कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हुई हुई है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू ऑक्टेट रूल। तो वो कहता है जी ऑक्टेट रूल छोटे नॉर्मल कंपाउंड्स में तो एग्जिस्ट करता है, बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। एक तमाम कंपाउंड्स को आप जो है ऑक्टेट रूल की के रूल में फॉलो नहीं करता देखते। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने कॉजेज पढ़ी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग।